यहाँ पर मेरे पास मार्शल का न्यू विलन स्पीकर आ चुका है, तो बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, बैटरी लाइफ, फीचर्स और हर एक चीज जो आपके लिए जाननी जरूरी है स्पीकर को बाय करने से पहले। पर वीडियो से पहले हमारे स्पॉन्सर के बारे में बात करते हैं, बूम 3D। अगर आप अपने ऑडियो एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली बूम 3D ट्राई करना चाहिए। बूम 3D देगा आपको फाइनेस्ट 3D ऑडियो एक्सपीरियंस आपके एग्जिस्टिंग हेडफोन्स और स्पीकर्स पर। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक चेक कीजिए। तो रिसेंटली मार्शल ने डिसाइड किया अपनी सारी लाइनअप स्पीकर वगैरह सबको अपडेट कर दिया जाए, तो जिसमें इन्होंने स्टैनमोर 3 निकाला, वर्बन 3, हैक्टोन 3, एम्बिटन 2 और ये नया विलन स्पीकर लॉन्च किया। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था उनको देखने के लिए, तो मैंने दोनों ही विलन और एम्बिटन 2 खरीद लिए। तो आज हम विलन के बारे में बात करने वाले हैं, पर अगर आप एम्बिटन 2 की वीडियो चेक करना चाहते हैं तो आप टॉप राइट कॉर्नर से चेक कर सकते हैं। ये रहा रिटेल बॉक्स, इसको ओपन करते हैं। तो इसके अंदर हमारे को पहली चीज मिलती है यूजर मैनुअल, उसके बाद बॉक्स के अंदर मिलता है हमें स्पीकर और इसके बाद एक USB-C चार्जिंग केबल। स्पीकर को अनरैप कर लेते हैं। वाह, काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है, मतलब लग रहा है कि बहुत ही कोई हाई क्वालिटी वाली चीज़ पकड़ी हुई है। टेक्सचर इसका काफ़ी बढ़िया लग रहा है और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं चीज़ें जब आप कोई मार्शल खरीद रहे हो। अब मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हमारे को एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी यहाँ पर जॉयस्टिक मिलती है ब्रास की, और इसकी मदद से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि इसको होल्ड करके रखने से स्पीकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको एक बार प्रेस करने से हम प्ले पॉज कर सकते हैं, अप और डाउन में वॉल्यूम है इसकी, लेफ्ट राइट में नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक कर सकते हैं, और अगर इसको लेफ्ट या राइट होल्ड करके रखें तो ये ट्रैक को सी के रिवाइंड भी कर सकता है। अब इसके टॉप में हमारे को एक ब्लूटूथ बटन भी मिलता है जहां से आप इसको पेयर वगैरह कर सकते हैं या फिर आप स्टैकिंग मोड को अनेबल भी कर सकते हैं। अब बैटरी परसेंटेज चेक करने के लिए हमारे को इसके बैटरी लेवल मीटर मिलता है उसके राइट में, और यहां पर 5 डिविजन्स दे रखे हैं इन्होंने, तो हमारे को एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बैटरी पता चलती है कि कितनी है इसके अंदर। और इन दोनों के बीच में हमारे को मिलता है इनबिल्ट माइक, तो इसकी मदद से हम कॉल्स डायरेक्टली स्पीकर के थ्रू ले सकते हैं बिल्कुल हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस के लिए। अब इस इनबिल्ट माइक का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर वॉइस असिस्टेंट भी है, इसके अंदर कोई ऐसे वॉइस असिस्टेंट नहीं दिया इन्होंने, पर एक बार इसको जल्दी से टेस्ट करके देखते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। ये है ऑडियो क्वालिटी टेस्ट मार्शल विलन के इनबिल्ट माइक की, तो जिस भी इंसान से आप बात कर रहे हैं उसको आपकी आवाज कुछ ऐसी सुनेगी। और हाँ, आप डायरेक्टली कॉल्स वगैरह इससे यहीं से उठा सकते हैं, अगर आप इसको एक बार दबाएंगे तो उससे आप आंसर कर सकते हैं कॉल को या एंड कर सकते हैं, और अगर आप डबल प्रेस करेंगे तो वो कॉल को रिजेक्ट कर देगा। अब चार्जिंग के लिए हमारे को लेफ्ट साइड पे मिलता है USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और बात करें इसकी बैटरी की तो इसके अंदर वैसे अननोन अमाउंट ऑफ बैटरी MAH है, हमारे को MAH पता नहीं चली कि कितनी है इसके अंदर, पर ये आता है फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज के साथ, तो अगर आप इसको 20 मिनट के लिए चार्ज करें तो इस 3 घंटे का बैटरी बैकअप देगा आपको, और अगर आप इसको फुल चार्ज करना चाहते हैं तो इसको 3 घंटे लगेंगे अगर आप 5 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का चार्जर यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद ये चलता है 15 घंटे। जी हाँ, ये 15 घंटे चलेगा अगर आप इसको एक बार चार्ज करते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप है, मतलब अगर आप इसका साइज़ देखें छोटू सा नन्ना सा है और फिर भी इतनी इसमें बैटरी बैकअप मिलता है हमारे को, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ओवरऑल डिवाइस के बारे में कहूँ तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसे आप पॉकेट साइज्ड स्पीकर कह सकते हो कि आप इसको आसानी से जेब में डाल सकते हो। कंपेयर करें इसको एम्बिटन 2 के साथ तो ये वो वाला बार शेप में है और ये वाला थोड़ा स्क्वेयरिश सा है और काफ़ी स्मॉल है उससे, तो अगर आप इसको ट्रैवल करते हुए लेके जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं ऐसा, आपको ज़्यादा बोझ जैसा नहीं लगेगा, ये काफ़ी छोटा लगता है और ये काफ़ी डेंस फील होता है, और इसका वज़न मतलब 310 ग्राम है, तो इस वजह से काफ़ी सॉलिड फील होता है, ऐसे नहीं लगता कि जल्दी से ऐसे ख़राब होगा। अब अगर डिवाइस को आसपास ध्यान से देखें तो इसके ऊपर एक टेक्सचर दिखेगा आपको, लेदर लाइक टेक्सचर, हालांकि ये रबर से बनाया है इन्होंने, पर ये काफ़ी असली जैसा फील होता है, मतलब जो आम आदमी है उसको नहीं पता चलेगा कि ये लेदर है या रबर है, तो काफ़ी बढ़िया काम किया उन्होंने, काफ़ी बढ़िया प्रीमियम फील आती है इसको करते ही। अब इसके फ्रंट में आपको देखने को मिलेगी मेटल ग्रिल और यहाँ पर मार्शल का लोगो दिया हुआ है, और उसके पीछे हल्का मतलब मेरे को ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे क्लॉथ लाइक मटेरियल कुछ दिया हुआ है इन्होंने, पर आपको इसके अंदर इसका ड्राइवर वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग डिजाइन फीचर इस स्पीकर की ये है जो इसके बैक में स्ट्रैप दिया हुआ इन्होंने इसके पीछे, जिसकी मदद से आप इसको कहीं भी टांग सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, ये आसानी से टिका रहता है उसके ऊपर, तो ये काफी बड़ी एडिशनल फीचर दिया हुआ है स्पीकर के अंदर और काफी सिक्योर रहता है वैसे इसके ऊपर, मैंने लगा के देखा है ज़्यादा दिक्कत नहीं आती जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। स्पीकर को ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे को यहाँ पर मिलती है IP67 वाटर रेटिंग, तो ये डस्ट और वाटर स्प्लैशेस आसानी से झेल सकता है। अब ये स्पीकर के अंदर काफी सारे फीचर्स मिलते हैं हमारे को, जैसे कि ब्लूटूथ 5.1 विद ड्यूअल पेयरिंग, तो आप और आप अपना दोस्त और जो भी है मतलब गर्लफ्रेंड जो भी है पता नहीं, तो उसके साथ आप अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं और एक बार आप गाना चलाएं एक बार वो गाना चलाएं, ऐसा कुछ कर
सकते हैं। अब इसकी ब्लूटूथ रेंज भी 10 मीटर्स है और मैंने खुद टेस्ट करके देखी है, उससे ज्यादा ही चलती है ये। एक और ग्रेट फीचर हमारे को विलन के ऊपर मिलता है और हर एक मार्शल स्पीकर के साथ मिलता है, वो है डेडिकेटेड ऐप। हालांकि इसकी रेटिंग काफी बुरी है, पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और आप इसको सेटअप करते हुए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस ऐप के अंदर आप साउंड वगैरह कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप उनका प्रीसेट यूज कर सकते हैं EQ वाला, और इसकी मदद से आप अपने स्पीकर को OTA अपडेट भी कर सकते हैं, मतलब फर्मवेयर वगैरह अपडेट कर सकते हैं। लास्ट हमारे को मिलता है इसका स्टैकिंग मोड, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास दो सेम स्पीकर हैं विलन, तो आप उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और आपको मिलेगी लाउडर और स्टीरियो साउंड। अब एक चीज मिसिंग लगी मुझे इसके अंदर से, वो है इसके अंदर कोई भी ऑक्स इनपुट नहीं है। हालांकि ये आजकल मतलब कॉमन सी रही नहीं, थोड़ी पुरानी सी होगी ऑक्स इनपुट वगैरह, पर स्टिल अगर दे देते तो बढ़िया रहता। ये थे सारे फीचर्स। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज के बारे में किसी भी ऑडियो डिवाइस में, जब आप इतने ज्यादा पैसे लगा रहे हो, तो वो है साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी डिस्कस करने से पहले इसको एक जल्दी से साउंड टेस्ट लेके देखते हैं, थोड़ी हमारे को बात करने का थोड़ा मतलब बेस मिल जाएगा। हालांकि ये साउंड टेस्ट बिल्कुल भी आसपास नहीं होगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस के, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसकी साउंड को अफेक्ट कर रही होंगी, जैसे कि ये माइक, ये रूम, जो हेडफोन आप यूज़ कर रहे हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसकी वजह से साउंड क्वालिटी थोड़ी कम आती है उस वजह से। पर फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इसको ऑन कर लेते हैं। तो अभी इसकी साउंड 75% पे है और डिफ़ॉल्ट EQ पे है ये। अब इसको पुश मोड पे करते हैं, हल्की सी बेस बढ़ा के देखते हैं इसके अंदर। अब ठीक है, वापस डिफॉल्ट मोड कर रहा हूं मैं। काफी सीरियस साउंड टेस्ट हो चुका है मेरे ख्याल से। अब बढ़िया चीज क्या है विलन के अंदर, हमारे को यहाँ पर मिलता है 10 वॉट का 2 इंच का ड्राइवर और इसके अंदर डुअल बेस रेडिएटर मिलता है, एक फ्रंट में एक बैक में। तो तीनों चीजें कंबाइन करके मेरे ख्याल से निकालती हैं काफी खतरनाक वाली आवाज। तो फ्रिक्वेंसी रेंज इसका काफी बढ़िया है, मेरे को हर एक फ्रिक्वेंसी सही सुन रही थी और बेस, मिड्स, हाइज तीनों ही काफी बढ़िया लग रही थी स्पीकर में, और ये काफी ज्यादा क्लियर भी थी, वोकल्स वगैरह काफी क्लियर आ रहे थे, जैसे कि आपने देखा जो आवाज में शिमर होती है और सारे ही
नोट्स काफी बढ़िया तरीके से सुन रहे थे और बेस भी मैं कहूंगा कि काफी पावरफुल लग रही थी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेस हैवी जॉनर सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली ये पुश वाले मोड पे रखना चाहिए, पुश ईक्यू प्रीसेट है जो इसके अंदर। पर अगर आप मार्शल डिफॉल्ट ईक्यू पे रखते हैं वो मेरे ख्याल से बेस्ट रहता है हर एक जॉनर के लिए, अगर आप कोई भी तरह का जॉनर सुनते हैं। अब जब आप कंपेयर करते हैं इसको और एम्बिटन 2 को तो डेफिनेटली आपको साउंड का डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर ये वाला स्पीकर दोनों ही तरफ से ऐसे खुला हुआ है, दोनों तरफ आवाज फेंकता है और इसके अंदर डुअल ड्राइवर दिया हुआ है तो साउंड की आपको डेफिनेटली डिफरेंस दोनों में देखने को मिलेगा। पर ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि इन दोनों के बीच में प्राइस का डिफरेंस भी है। यहां पर जो विलन है उसका प्राइस है 10,000 रुपीज और जो एम्बिटन 2 है वो है 17,500। तो प्राइस का डिफरेंस डेफिनेटली इन दोनों के बीच में है और आपको इस डिफरेंस के बीच में मैं कहूँगा कि क्या मिल रहा है वो है आपको यहाँ पर ज्यादा बेहतर बैटरी बैकअप मिलता है, डबल ही मिलता है, बल्कि यहाँ पर आपको 15 आवर्स मिलते हैं या 30 आवर्स और साथ में आपको लाउडर और बेटर साउंड क्वालिटी मिलती है। अब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं यहाँ पर इनबिल्ट माइक क्योंकि एम्बिटन 2 में नहीं है और थोड़ा स्मॉलर फॉर्म फैक्टर तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपके लिए बना है। मेरे ख्याल से तो मतलब दोनों स्पीकर काफ़ी बढ़िया हैं, दोनों अलग अलग तरह के लोगों के लिए बने हुए हैं, जिसको थोड़ा छोटा स्पीकर चाहिए और जिसका बजट 10,000 है तो ये, जिसको ज़्यादा बैटरी बड़ा स्पीकर मस्त फड़ू वाला तो ये। पर फाइनल डिसीजन आपका है कि बजट आपका है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपकी मदद सिर्फ इस तरह से कर सकता हूँ कि आपको मैं बेस्ट डील्स के लिंक दे सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आपके कुछ पैसे बच जाएंगे वहां से। पर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई और अगर आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टे सेफ, बाय।